दुर्योग निकालने के लिए तो हम लोग जगे रहते हैं। जहां कुंडली से देख लिया कि दो तीन एकदम तगड़ा वाला है तो बोला ठीक है यहीं पर हलाल करो मुर्गा को, समझ में आ रहा है, बकरा आ गया फंसाओ इसको। देख लिया एकदम काल पुरुष कालसार पितृदोष दो चार को रट के रखते हैं हम लोग, खाली बस देखे तो पितृदोष नहीं हो होगा तो तुम जानते होगा पितृदोष है कि नहीं है, तुम तो आ गया एक तो विश्वास में। बोला अच्छा तुम फेरे बिहारी, ऊपर से गया जो गया वो गया, कहानी सुनाए थे ना गया वाला कहानी, हाँ तो सोना का अंगूठी पहन के बोला देखा हम बिहार में आए और गया वालों का औकात नहीं है कि हमारे उंगली से सोने का अंगूठी निकाल ले। तब तक तुम जैसे कोई पवन मिश्रा जी खड़े थे, बोला है पटत गलत सोच रहे हो, उंगली देखो चेक करो ठीक से, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल तो मेरे हाथ में है, ये देख रहा है गया में जो आया वो गया, यहाँ ताव नया चली गमंडुआ तो नहीं हमारा को ना दिखाओ, गया में आए हो तो गया, तो तेरा हाथ में जो पहने हो ना वो रोल गोल्ड है, कब निकल के रोल गोल्ड पहना दिया और ओरिजिनल मेरे हाथ में आया पता चला, बोला ना तो वही खेल है। तो तुम बोल रहे कुंडली देख के तो नहीं, देखिए तो काका दुर्योग है ये बाबू, दुर्योग निकालने के लिए कभी किसी को मत बोलो। ये 12 राशि 9 ग्रह 27 नक्षत्र, दुर्योग ढूंढने के लिए जाओ ना तो लिस्टे लिस्ट डाल देंगे एकदम, 80-90 को दुर्योग निकालेंगे, हर जगह का योग है और जितना योग है उतना दुर्योग है। लेकिन वो सब क्या है, जिंदगी में इसका इफेक्ट कालांतर में बड़े लेट में आता है और उतना हानि नहीं करते। कोई भी चीज को अगर हम पकड़ते हैं कि चलो तुम्हारे हिसाब में बताओ तुम्हारे कुंडली में क्या दुर्योग है बताओ, द्वादश में राहु एक दुर्योग नहीं है क्या है? अच्छा किसके घर में बैठा, निचस्त अवस्था में बैठा, कालपुरुष के अष्टम में बैठा, तो जब कुंडली विश्लेषण करते हैं तो कई सारे पैरामीटर हैं। पहले यह भूल जाओ कि क्या लग्न है क्या राशि है, यह देखो कि कालपुरुष कुंडली में इस समय ग्रह कहां कहां बैठे हैं, एक मिनट के भूल जाओ कि तुम मकरू हो और एक मिनट के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा लग्न धनु है, डिलीट। अब तुम्हारा कुंडली क्या है, हाँ डेट बताओ, डेट डेट जन्म डेट 5/7/93 का तुम्हारा कुंडली है, ये कुंडली है, इस तारीख को राहु बैठा था वृश्चिक में, गुरु बैठा था कन्या में, मंगल बैठा था सिंह में, बुध बैठा था कर्क में, सूर्य बैठा था बोलो मिथुन में, केतु और शुक्र बैठे थे वृष में, शनि आके बैठा था कुंभ में, चंद्रमा बैठा था मकर में, इतना। अब इसका फलित करो, पहले इसका फलित करो, अभी लग्न राशि भूल जाओ, चंद्रमा को मकर राशि मत समझो, उसको एक उपग्रह या ग्रह समझो, क्या होगा बताओ इस समय आकाश में क्या हुआ होगा, इस समय आकाश ठीक था या बुरा था। अभी यहां मकर राशि का कुंडली में विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आकाश का स्थिति यह था, केतु के साथ शुक्र था, निचस्त राहु था, वृश्चिक में राहु था, वृष में केतु था, इतना को फलित करने के लिए तो 3-4 घंटा लग जाएगा। बैल के घर में वृष के घर में केतु का फलित करो, उस समय क्या हुआ होगा यूनिवर्सियली, बड़े बड़े क्या इंसिडेंट हुए होंगे, 1993 तो कुंभ का शनि, 96 में सुपर साइक्लोन, उससे पूर्व तुम्हारा जन्म कौन सा अवस्था में था, बकरी अवस्था में था। तो इस समय यहां आकाश का परिस्थिति को निरीक्षण अनुक्षण करोगे, पहले इसको फलित करो कि इस समय जो ग्रह स्थिति है ये ग्रह स्थिति क्या बोल रहे हैं, ये पहला समझ है तो उसके लिए बैठेंगे।
कि अगर ऐसे ग्रह हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, और इन स्थिति में कौन कौन से चीज क्या क्या राजयोग बना के बैठे थे। यहां कोई राजयोग है तुम्हारे कुंडली में? पता नहीं है राजयोग क्या है, लेकिन दुर्योग क्या है ये निकाल दो, बोल रहे हो? ओहो, अरे बाबू, हर एक दुर्योग का काउंटर भी है। पकड़ लो मंगल दोष हो रहा है तो मंगल दोष का काउंटर है, कैंसिलेशन है। अच्छा अभी बोलो कि शनि अपने घर में बैठने से कौन सा राजयोग बनता है, बोलो। पंचम महापुरुष राजयोग क्या क्या है, बोलो। मैं तो पंडित होके सब राजयोग अभी शुरू कर दें, हम एस्ट्रोलॉजी का क्लासे ले लें तो तुम्हारा शिविर कब ले। और तो बेटा ऐसा है, कुंडली में अगर एक राजयोग भी बनता है ना, एक, और वो प्लैनेट कारक हो चाहे अकारक हो, अकारक भी हो, अकारक बुरा नहीं है, अकारक एकदम बुरा नहीं है, लेकिन वो राजयोग भी सारा कुंडली के ग्रहों को ट्रैप करने का दम रखता है। तो हम लोग जब कुंडली देखते हैं, पॉजिटिव आदमी हमेशा देखता है कि पॉजिटिव क्या है, बिना मतलब का डरा के पत्थर पहन लो, पूजा करा लो, जाप कर लो, मतलब नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। एक राजयोग कुंडली में दिख रहा है अभी काफी है, मकरू राशि का लग्नेश स्वगृही मूल त्रिकोण अति बली वीर्यवान वक्रस्थ अवस्था में पड़ा है, काफी है जिंदगी जीने के लिए। बाकी को मारो गोली, गोली एकदम मारो, एक ही तुम्हारे लिए काफी है। लेकिन बोलोगे कि मेरा कुंडली देख के थोड़ा सा दुर्योग बताइए, मेरा चैलेंज है कि इतने चीज में हम 50-60 को तो दुर्योग निकाले देंगे। हाँ, बोला, बोल दिया ना राजयोग, ये राजयोग बता दिया ना कि एक काफी है, उसी से सब कुछ ठीक हो सकता है, और उसी को लेके अगर हैंडल करना सीख जाओ। और इसीलिए तो बोलते हैं कि कुंडली में अगर शनि ठीक है ना, बाकी किसी को तो फिक्रे नहीं है, किसी को फिक्रे नहीं है। और शनि बलि है तो आदमी का तो आयु है, और आयु है तो आज नहीं तो कल राजयोग तो मिल ही जाएगा, भोग तो मिल जाएगा। लेकिन आयु खत्म है, कितने बड़े बड़े हंस राजयोग, शस राजयोग, गधा राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, गज केसरी राजयोग, क्या करोगे? तो ठीक है बाप, टेंशन मत हो, और जिंदगी में ऐसे अप डाउन आएगा, फिर चला जाएगा और ठीक हो जाएगा। ओरिड नहीं होना है, ओरिड इस बात का हो इस जन्म का हम परिपूर्ण लाभ उठा सकते हैं या नहीं, जिसलिए जन्म हुए हैं उसको हम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर नहीं किए तो अगला जन्म हमको पनिशमेंट हो जाएगा। तुम्हारे कुंडली में अगर देखता हूं कि केतु बोल रहा हूं, ये शनि अगर तीसरा में बैठ के महाराजयोग बना रहा है, स्वग्रही हो रहा है, और उसके लिए तुम अगर वर्गोत्तमी भी है, तो उसके लिए अगर तुम अपने कर्तव्य कर्म को नहीं कर रहे हो तो बताओ दोष किसका। तो इसलिए कुंडली से ये पूछना कि गुरुदेव, हे गुरु जी, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, मैं क्या करूं कि इस जन्म के साथ न्याय कर सकूं, क्योंकि शरीर तो परमानेंट, बोलो, शरीर। अच्छा, बैठे बैठे कहीं और भाग गए थे। हाँ, क्या शरीर तो परमानेंट नहीं है, परमानेंट है क्या? नहीं, कुछ दिन में शमशान में चला जाएगा। तुम्हारे घर बाड़ी जमीन मकान, तुम्हारा जवानी, तुम्हारा पैसा परमानेंट तो नहीं है, फिर क्या परमानेंट है? नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म आत्म जो मेरे अंदर सदा विराजमान है, जो कल भी था, आज भी है, और आगे चल के भी, तो जो नित्य है वो तो मेरे साथ हमेशा रहेगा, था, है, रहेगा। मैं उसके उस जो जन्म मुझे मिला है जीने के लिए, जो जीवन, इस जीवन के प्रति जिस कर्म के लिए न्याय होना चाहिए मैं करना चाहिए, कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं तो फिर अगला जन्म, हाँ, बोलेगा एक नौकरी, योग निद्रा क्यों कर रहा है, बोला एक नौकरी मिल जाए। बोला तुम क्यों यह आह्वान कर रहे हो, ऋण ले लिया था, पैसा वापस आ जाए।
विश्व ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, ये धरती जैसे करोड़ों करोड़ों पत्थर घूम रहे हैं आकाश में। हाय गुरु जी, धरती को पत्थर बोल रहे हैं? पत्थर भी नहीं है, तिल भी नहीं है। जितना बड़ा गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में मतलब लाइन मिल्क लाइन गैलेक्सी ब्लैक होल ये सबको अगर वहां चले जाओ, शनि ग्रह से चले जाओ, धरती कितना बड़ा दिखाई देगा? सरसों भी नहीं। उस सरसों के अंदर तुम, उस सरसों के अंदर एशिया महादेश, उस एशिया महादेश के अंदर भारत, भारत के अंदर बिहार का गया, जो सुई के नोक बराबर भी नहीं है, वहां तुम एक कीड़े भी नहीं हो, एक माइक्रोब भी नहीं हो, एक बैक्टीरिया भी नहीं हो। बोलते हो कि हम ब्रह्मांड के महाशक्ति को प्रार्थना करते हैं कि एक नौकरी दे दे। तो तुमसे गया गुजरा और कोई तो नहीं होगा ना, तुम परम ज्ञानी। हाँ अभी समझ में आ गया। हाँ समझ आ रहे, तुम जो सारा काम धाम छोड़ के यहां पर आए हो, 3.5 लाख रुपया ऋण लिया था, वापस कब मिलेगा? तो बताओ, मेरे पास जो फोन करते हैं, गुरुजी 500 करोड़ रुपया फंस गया है, निकलेगा कब? फिर तुम उसके आगे क्या हो? उसके आगे तुम क्या हो? तो तुम यही सब मांगने के लिए यहां आए हो क्या? ये तो बाएं हाथ का चुटकी मार के हो जाएगा। लगाओ ना 10,000 बगला मुखी का मंत्र, वो घर घुस के तुम्हें पैसा दे के जाएगा, नहीं तो सर लेके ऐसे से घूमता रहेगा जिंदगी भर। कहां जाएगा? उसको पता चल जाएगा कि पंडित जी को तंत्र कर दिया है। तुम अपने शक्ति लगा के सोचो, माला उल्टा चला के उसी को ही ठोक दो मंत्र, गुरु आदेश से। ऐसे में तो नहीं होगा, गुरु आदेश से कर दो। वो नहीं रह सकता जिंदगी में जब तक पैसा नहीं हगे। लेकिन इसीलिए तुम यहां पर आए हो क्या? ये छोटा सा, इतना छोटा सा इच्छा पूर्ति के लिए आचार्य संजय का टाइम बर्बाद कर रहे हो? नहीं, तुम्हें उससे ज्यादा मिलेगा। एक और आया था, मेरा भाई के साथ कोर्ट कचरी माली मकदमा केस चल रहा है, मेरा पेटर्नल प्रॉपर्टी मिलेगा कि नहीं? मतलब बेवकूफ परम बुड़बकानंद जी महाराज, तुम्हारा कुंडली कह रहा है कि तुम अगर अपने शक्ति ऊर्जा को अगर अपने से अपने मेहनत में लगाओगे तो तुम्हारा बाप और तुम्हारा पुस्तैनी 14 पुरुष का संपत्ति अकेले खरीदने का दम है तेरे पास। समझ में आ रहे हैं? क्या बोला? उच्च का राहु तीसरा स्थान में पकड़ के बैठे हो, तनिक अगर राइट दिशा में तुम अपने को मोड़ दो तो जिसके लिए तुम वकील को पाल रहे हो, एडवोकेट को पैसा खिला रहे हो और अपना सारा समय छोड़ के जाके कोर्ट में बैठ रहे हो, हाजिरी दे रहे हो, एक दिन के लिए बोलो कि आज से कोर्ट जाएंगे नहीं, वकील को खिलाएंगे नहीं, हमारा केस विथड्रॉ, और तुम उसी शक्ति को अपने सही काम में लगाओ, उतना समय उतना पैसा उतना इन्वेस्टमेंट, तुम्हारा जो ताकत है उसमें लगा के देख लो। मेरा चैलेंज है, अभी जो कालखंड चल रहा है तुम्हारा या आने वाला समय में, तुम्हारे वंश के सभी का संपत्ति को दुगना तिगुना रेट में खरीद लोगे। चैलेंज, ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज, कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए आचार्य संजय तैयार है। बोलो, राजी हो तो बोलो। और तुम जैसे टुच्चा पहलवान, इसी पेटर्नल प्रॉपर्टी जिसका कीमत मात्र 20-25 लाख भी नहीं है, जिसके लिए तुम अपने जीवन का बहुमूल्य 10 साल टाइम बर्बाद करने जा रहे हो, और पहले से 4 साल ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है, तो तुम जैसे एक टेक्निकल आदमी का 1 घंटे का कीमत क्या है? मैं यहां आके बैठता हूं तो दर्द देता है यार। यार अभी हम 2 कुंडली देखते तो अभी इतना कमाए होते, इनके पास बैठे हुए हैं, अंदर से तो बोलेगा ना पंडित? नहीं बोलेगा? तो मैं बिना फालतू का शिविर कर रहा हूं ना तुम लोगों के पीछे टाइम बर्बाद करके, इसीलिए कि तुम बोलेगा एक नौकरी दे दे। तो कंसेप्ट को समझिए ना, यहां आए हो उससे बड़ा के लिए, लेकिन आपका सोच और थिंकिंग प्रोसेस छोटा में पड़ा हुआ है, उसको चेंज करो, यही तो कह रहा हूं। बोले फिर क्या करें गुरुजी? हम बोले क्या, एक नौकरी नहीं 100 नौकरी दे दो। तू 100 नौकरी कैसे करेगा बे? कंसेप्ट में रहे ना, कंसेप्ट समझ के नहीं रहो? मतलब ये थिंकिंग प्रोसेस तुम्हारा है कि तुम्हें क्या मांगना है। आप फिर आप गुरुजी मेरा कुंडली देख लीजिए और बता दीजिए, लीजिए ये 10 में यहां गुरु बृहस्पति बैठा है, हम भगवान को क्या मांगे बताइए।
बेटा ये तेरा काम है, तुम डिसीजन लो। ये धीरे धीरे रिफॉर्मेशन होगा। क्या बोलो, समझ रहे? नया बच्चा है ना तुम अभी। जैसे ब्रह्म विद्या में क्या होता है, पहले पहले ही बोलते हैं ब्रह्म प्राप्ति करना है। ऋषिकेश वगैरह में जाओगे ना, बड़े बड़े बाबा मबा कब्बा टब्बा ढब्बा लोग देखोगे, टुचकू बाबा लोग देखोगे, नया नया बाबा हवा होगा, बड़ा चिता चेतन लगा के, चोटी वोटी लगा के, भगवा हुआ पहन के, एकदम आशीर्वाद के मुद्रा में, एकदम ऐसा बाबा लोग होंगे। तो नया बाबा है, तो उनको बड़ा ज्ञान है, वेदांत पढ़ लिया है, ब्रह्म विद्या ब्रह्म सूत्र गिरंड संहिता सब पढ़ लिया है। एक कहीं से तुम उनको ऐसी उंगली मारा तो तुम बेटा कहीं का नहीं रहेगा, मारेगा दो चार संस्कृत का एकदम, ऐसा करके देखोगे तुम कुछ नहीं। हम लोगों से नहीं करेगा ऐसा, हमें किया तो फिर उल्टा देंगे उसको ना, हम लोगों नहीं करेगा, हम लोग पुराना चूहा है। तो तुम लोग को हाकेगा, बोलते बाबा भूल जाना है। लेकिन हम लोग से जब तर्क वितर्क होता है, शास्त्रार्थ होता है, तो फिर नहीं लगते हम लोग से, हम लोग नहीं लगते। तो वो लोग पहले पहले बोलते ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, परमेश्वर, आत्मा अनुभव, आत्मा गोनोलोकन, ऐसे ऐसे शब्द बोले, तेरा मुंह में नहीं घुसेगा। धीरे धीरे जैसे पकने लगता है तो फिर उनको समझ में आता है कि ब्रह्म पहले था, है और आगे भी रहेगा। फिर किसे पाना है? वो तो पाया ही हुआ है, मिला ही हुआ है, फिर ढूंढ किसे रहे? भैया से पार हो गया नहीं? हाँ, मकरूणों का भैया से पार हो जाएगा। तो वो कंसेप्ट, अबे क्या मिल गया, क्या चीज बोल रहा है, क्या मिल गया है, क्या पाया हुआ है, क्या पाएंगे, उस लेवल का सोच कहां से आया? जब ये कलयुग का पंडितों को नहीं समझ में आ रहा है तो तुम बेचारों को कहां से समझ में आए? समझ रहे? गया पंडित फेल खा रहा है, तो क्या चीज पाया हुआ है बोल रहा है ना, समझ से पार हो गया। तो ऐसा है ना कि ये जो आपका क्या डिमांड है, आपका क्या मांग है, ये तो समय के ऊपर निर्भर करेगा ना। नहीं समझ में आया? अच्छा चलो, बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं ना हमारे पास, मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, फाड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं, हमारा शत्रु कर दिया है, हमारा ले गया है, संपत्ति ले गया, धोखा दे दिया, ब्लैकमेल कर रहे हैं, और हमारा जमीन बाड़ी जायदाद कोर्ट कचहरी मालिक मुकदमा चुरा कर ले गया, हमारा बहनी को ऐसा किया, हमारा बीबी को ऐसा, मार देंगे गुरु जी, एकदम बींद दो, एकदम तंतर करके, एकदम जंतर करके, रोज के डल के एकदम पेस दो, एकदम ब्लैक मैजिक कर दो, एकदम काला जादू, क्या करना है बोलिए गुरु जी, का पूजा करेंगे, काला वाला, वो तो यूट्यूब में दिखा रहा था, तो काला वाला खिलौना बनाओ, उसमें पूजा करके उसको सुइया में हुड़ो 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 ऐसे ऐसे हुड़ो, मर जाइए वो। हाँ बाबा ठीक आए हो भाई, तो खोल ली खाने, ठीक है, मतलब खकवा के आया है एकदम, तो क्रोध से भरा है। तो हम बोले कोई बात नहीं, कर देंगे, चिंता मत कर, तेरा शत्रु मर जाएगा तो चिंता मत कर, तू इधर ध्यान कर, मेडिटेशन कर, जाप कर। ये वाला नहीं, वो यूट्यूब में दिखाया ना, काला जादू करते हैं, ऐसा ऐसा काला वाला करके उड़द को रगड़ के गाड़ में तह के खून खूनो निकाल के ऐसा करके अंदर डाल देंगे, मार देंगे शत्रु, मर गई। बहुत थक गए यार तेरे को समझा के, ठीक है तू ध्यान कर, यहां मेडिटेशन कर, शत्रु बाद में देख लेंगे, यूट्यूब वाले भी छोड़ते नहीं है और तुम भी बचते नहीं हो। अच्छा, हमेशा वही वीडियो लगता है, नया तंत्र, शत्रु ना मांगे पानी, मर जाई शत्रु, रात को गाड़ दो लौंग और दुगो काली मिर्च, सुबह शत्रु मर जाई। वीडियो देख रहा है आके, मेरे को ही दिमाग खाए, ये वाला देखिए गुरु जी, ये जो है ना, कल सुबह तक तो मर जाई। बोला एक बात बताओ, मर जाएगा तो तेरे को क्या मिलेगा? शत्रु है गुरु जी, हमको ऐसा ऐसा किया था, पैसा ले लिया, दिया नहीं रे, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? लेकिन ऐसे लोग का किस्मत अच्छा होता है कि हमारे चुंगल में पड़ते हैं। अगर दो चीन गलत वालों के पीछे पड़े तो वो लोग तो अच्छा से लूट लेंगे। तुम थोड़ा सा गेट बाहर चले जाओ, उधर दो तीन, मेरा गुरु का छोड़ देना, इधर मेरा गुरु जी रहते हैं, उधर दो तीन और है, उनका ऐसा तांत्रिक लोग है, मौका मिले तो देख लेना, मिले भी जाएगा, इधर उधर घूमते रहता है। ये 10 उंगली में 10 गो मुद्रिका पहना हुआ है, अंगूठी, यहाँ पन्ना, नीलम, केटसाई, 10 उंगली में 10, कोई पत्थर बाकी नहीं, 9 ग्रह तो है लेकिन 10 पत्थर, एक मूर्खाणाम दशम ग्रह उसका भी पहना हुआ है,
कुछ भी मिला दुकान जाएगा, बोलेगा जो हम लोग का सब, यहां से हम लोग का सब सप्लाई होता है सेंटर वाला, हमारा भी है ना बड़ा सेंटर, हमारा भी तो कोई बैठा होगा ना ऊपर जो ओरिजिनल चीज लाके देने वाला। तो दुकान में जाएगा, बोला क्या नया आया है, तो वो भी चतुर ऐसे निकाल देगा एक तो काली पत्थर वाला, देखो ये नया है, बोला दो। बोला नहीं ऐसा नहीं, 25,000 रुपया है। बोला लो ठीक है, ला के टांग देगा 2-4 दिन। टेस्ट क्या काम देता है, रिसर्च, आप नहीं जानते हो, आई एम द साइंटिफिक एस्ट्रो, क्या बोलते हैं, साइंटिफिक तांत्रिक। बोला बढ़िया है, साइंटिस्ट शब्द निकाला और तेरे नाम के आगे तुम लगा दिया। अच्छा वो कार्ड भी बीच में बनाया था, साइंटिस्ट तांत्रिक या तांत्रिक साइंटिस्ट, ऐसे कुछ लगाया था बेचारा। होते हैं ऐसे ऐसे बड़े नौटंकी बाज सब होते हैं, नहीं बुरा नहीं है, समय का खेल है। और हमारे यहां तो बड़े बड़े हैं। अच्छा उनका ही धंधा चलता है, कल सुबह एक तो काम करना, 9 बजे यहां से 10 किलोमीटर आगे चले जाना, दिखा दूंगा तुमको, एड्रेस दे दूंगा, तुम खाली गेट के बाहर खड़ा होना, अंदर जाने का जरूरत नहीं, अंदर जाने से टिकट लगता है। हाँ उस रूम में तुमको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा। अच्छा उसका भी नौटंकी देखना, इतना इतना बाल इधर छोड़ दिया है, इधर इतना बड़ा काला काला एकदम काला, हाँ इधर लाल काला करके, इधर त्रिशूल बना के, काल माँ काली का इतना बड़ा, इतना बड़ा लोकेट है उसका, बड़ा बड़ा इधर हाथ में, और ड्रामा देखना उसका यार। अच्छा वो भी चेला उला को पैसा वैसा दे के रखता है कि वो गुरु जी निकले तो धुआं उमा देते रहना, माला वाला पहना के बड़ा धुआं के अंदर से वो उसका एंट्री भी ऐसे होता है, हाँ फिल्म एंट्री जैसे उसका होता है। अच्छा 3-4 औरतिया को रखा है, हम लोग का इधर क्या होता है करते ना, तो वो गुरु जी जब बाहर निकलेगा तो ये लोग करके पीछे से धुआं दिया जाता होगा, शंख भी लंबा लंबा ऐसा वाला शंख लगाएगा है, यहाँ डेली ड्रामा है उसका, शाम का डेली ड्रामा। हाँ बाय मिस्टेक अगर मेरा आमने सामने हो जाए तो रूम के अंदर घुस जाते, बाय मिस्टेक अगर हो गया, क्योंकि हम भी जाते हैं ना, नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। कुछ ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो हमसे ठीक नहीं होते, उनको ड्रामा चाहिए बढ़िया, ऐसे वाला ड्रामा पकड़ लो। हम भी ड्रामा करते हैं, लाल लाल कपड़ा लगा के, ऐसे टीका उका लगा के, हम बहुत अच्छा ड्रामा आता है, उन्हीं से सीखे। तो ऐसे केस हमसे हैंडल नहीं होता है, क्योंकि उनको वही ट्रीटमेंट चाहिए, उनका क्लिनिक है भूत भगाओ क्लिनिक, उनको वही वाला जो धुआं हुआ निकलता रहेगा, आग उग जलता रहेगा, लाल लाल चेतन वेतन लगा के, इधर से वो भी कपूर को आग लगा के मुंह में घुसे, अग्नि बाबा हब, तुम ऐसे देखे बोला अग्नि खा जाता है, अग्नि खाता है, धुआं फूकता है, अरे बाप रे, चमत्कार को नमस्कार, लाइन लगा, वो भी फूकता है एकदम, मार एकदम मदर फादर गाली देके फूकता है, ठुटके खाओ ठुटके खाओ, मसान आजा, इसका क्या हुआ है, पीछे से एक ठोर रेडी रखे रखेगा, भूत पकड़ा है, कौन सा भूत, कलिया भूत, हाँ उसका बहुत सारा नाम है भूत लोगों का, कलिया भूत, ठेवना भूत, मठिया भूत, सब भूत है, हाँ ये सब भूत फाके उस सबको बोतल में भरेगा, पैसा वैसा लेगा, मोटा कमाई उसका, बड़े बड़े पार्टी लोग, एजुकेटेड एकदम, पढ़ा लिखा, आईएएस आईपीएस लेवल के लोग भी वहां थे, ट्रीटमेंट है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमें पता है, लेकिन लोगों को क्या पता है, तुमको जब जादू टोना होगा तुमको पता चलेगा। दुकान बांध दिया गुरु जी, दुकान बांध दिया है, बचाओ दुकान बंद है। अबे साढ़े नहीं है डैया में तो सबका दुकान बंद होता है, तेरा बंद हो गया, क्या हो गया। फिर वो पूजा उजा करके हल्दी हल्दी बांध के उसको देगा, बोले ले दुकान में टांग देना, लेकिन चलेगा 2.5 साल के बाद चलेगा 2.5 साल के बाद लेकिन ले लिया ऐसे 35,000 रुपया ले लिया, हल्दी 5 पीस का 35,000 रुपया पॉकेट में। लेकिन उन गधों को अगर बोलोगे कि ओरिजिनल लेके देखो, ये हनुमत कवच है, ये जप है, इसको ऐसे ऐसे बनाया गया, पैसा दो, कुत्ता बोल के नहीं देगा तुमको, कुत्ता बोला है ठगता है, 5 रुपया भी नहीं देगा। लेकिन उनको ठगाने का योग है तो ठगाने के लिए गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसलिए कुंडली में हमेशा लोगों को प्रश्न करना कि क्या दुर्योग है और क्या राजयोग है मत देखो, ये बता दीजिए कि हम जी रहे हैं जो न्याय सत्य धर्म के अनुसार, मेरे कुंडली को मैं न्याय कर रहा हूं या नहीं, ये प्रश्न होना चाहिए जीवन में। अप डाउन आएगा, कभी डाउन आएगा, कभी अप आएगा, कभी दुकान नहीं चलेगा, कभी खाना नहीं मिलेगा, कभी पैसा चला जाएगा, जिंदगी का रास्ता है, कभी डाउन आएगा कभी अप आएगा, उसके लिए काहे वरिड, चाहे मिले चढ़े गज तुरंग,
चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले कुटिया खाली, चाहे मिले महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से करता जो स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। जिंदगी में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा, ऐसा कभी किसी में नहीं लिखा है कि जिंदगी भर हो जाएगा ऐसा। क्लियर? इसलिए उसको मत देखो, उस तरफ मत देखो। सफल विफल और आशा निराशा, इसके और कहां जिज्ञासा, कर्म करे कर्मलीन बने, कर्म करे कर्मलीन बने। सफल हो विफल हो उसके ऊपर मत देखो। मिश्रा जी उधर से देखो तो बोला यही तो सोच बोल रहे, कब बोलेंगे सोच रहा था, अब सही बोले हैं एकदम। हम चले अभी, मेरा ट्रेनिंग महीना खत्म, कल से हम शेयर सट्टा लॉटरी जो है करेंगे, कंप्यूटर लेंगे सॉरी शेयर में घुसेंगे। आप तो बोले हो फल मत देखो, कर्म करो तो कंप्यूटर निकालेंगे, शेयर में घुसेंगे, पूरा हार जाएंगे, भिकमंगा हो जाएंगे, फिर आपके पास आएंगे, फिर पूछेंगे कर्म करें कर्मलीन बने। आप ही तो बोले फल का आशा छोड़ प्यारे, शेयर सट्टा पैसा लगाता चल, भिकमंगा हो जाएगा तो रोड में ठेली ठेला रेडी लगाता चल। इसका अर्थ ये नहीं है, अर्थ को समझिए, ठीक से समझिए। आपका कुंडली कह रहा है क्या शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करें, शेयर में पैसा लगाए? देखो ना कंडीशन को पहले देखो, तब जाके उत्तर मिला। या और कुछ बाकी है या विषयांतर हो गए हम? हाँ, ई बात एकदम सही प्रश्न है, इसका आगे चल के उत्तर देंगे, लंबा हो जाएगा।